lobby yellow. Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आप लोगों से ना मैंने जरूरी बात करनी है। उससे पहले ना ये तीन चार यो किस्म की क्लचेस हैं, ये एंजॉय कर लो, उसके बाद इजी होके बात करते हैं। तो सर जी, सीन ये है कि इवेंट पे ना पूरी टीम होती है। एक बंदे को तो मैंने पहले नॉक कर दिया था, ये दूसरा बंदा है इसको भी नॉक कर दिया, इसको तो मैं फिनिश करा देता हूँ। हाकिम नॉक होता है, हाकिम को रिवाइव करता हूँ, इनका तीसरा बंदा भी आ जाता है, इसको भी यस करते हैं। तीसरे बंदे पे भी रश करके नॉक कर दिया, इनको अब मैं फिनिश करवाता हूँ। इनका पीछे रह जाता है एक बंदा, तो उसको भी यस करते हैं। ये जो फाइट है ना, ये बिल्कुल अपलोड करने के लायक नहीं थी, लेकिन ये मैंने इसलिए अपलोड किया, ये लोग ना दोबारा रिकॉल होके आएंगे और फिर जो मैं इन पे क्लच करूंगा ना, मैं कहता हूं आप लोग टोटली यस हो जाओगे। अब ये लोग ना दोबारा रिकॉल होके आ चुके हैं, पहले तो काफी नेट्स करवाते हैं, हाकिम नेट से नॉक हो जाता है और मैं ना इधर वेट करता हूं कि ये लोग मेरे पे रश करें, लेकिन इन लोगों को नेट्स और मोलियों से फुर्सत मिले तो ही रश करें ना। अर्जा लॉबी येलो। तो इसी तरह हमारा ये क्लच यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। इजी होके हील करता हूँ, वो बंदा अपने नॉक वाले बंदे को रिवाइव करेगा, तो लेट्स गो गाइस, रश करते हैं। लो मजा आता है। ये बंदा हैरान और परेशान हो गया था कि पाकिस्तानी बंदा कैसे क्लच कर गया। खैर सर जी, सामने वाली ट्रिपल स्टोरी में ना और बंदे भी आ जाते हैं। मुझे डर था कि ये नेड्स ना करवाएं और ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं थी। मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। हाँ जी, आलू तरबूज टिंडे वगैरह लेने हैं किसी ने? मेरी गली में ना यार सब्जी बेचने वाला आया हुआ था सुबह के टाइम ना। भाई वेस्ट भी फुल डैमेज है, हेल्थ भी नहीं है और प्लेयर्स भी काफी अच्छे हैं ना, तो मैं कोई चांस नहीं ले रहा था फाइट लेने का। तो इसी तरह सर जी, इन दोनों को भी मैं यस कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लच पे। Storti.
हाकिम को जिस बंदे ने उजी से नॉक किया ना, तो वो आगे से बोल रहा था इबला, और उसका टीममेट उसे अप्रिशिएट कर रहा था उस तौर थी बोल के, मींस के लेजेंड के मायनों में आ जाता है ना। तो इस टीम पे क्लच करने के बाद हाकिम ने जो मुझे अप्रिशिएट किया ना अस्तूरा या वाहश बोल के, ये एक अलग ही फीलिंग है यार। खैर सर जी आते हैं इस क्लच पे, एक मशीन मेरी तरफ आ रही है तो मैं जल्दी से ना ये ब्लू वाली बिल्डिंग पकड़ लेता हूँ और आगे आप लोग बस सीन चेक करो। तो इसी तरह इस टीम पे भी क्लच यस हो जाता है। अब आते हैं इस क्लच पे। I think solo. Hey enemy. Full team Hakim. Easy easy I will kill them. नेट करा लो तुम। ए दूध में ब्रो। नेट भेज दे। इस टीम में ना आई थिंक दो या तीन हबीबियां होती हैं, तो मैं ना बस इनके साथ फन कर रहा था। नो किल। तो इसी तरह सर जी इन हबीबियों को मैं फन फन में यस कर देता हूँ। अब जरा सर जी बात कर लेते हैं। सीन ये है कि ना मुझे अक्सर हैकर्स वाले ना कमेंट्स आते रहते हैं, ये बंदा हैक यूज करता है, हैकर है, फिलान है, डिंग है, तो मैं ऐसे कमेंट्स ना इग्नोर कर देता था। लेकिन मैंने ESP यूजर वाले कमेंट्स भी देखे हैं, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत ही देखे हैं, वो इस वजह से कि मेरा मैप जो है ना वो हाइड है, तो इस बात को क्लियर करना मेरे लिए काफी जरूरी था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में ना मुझे एक प्यारे भाई का कमेंट आया हुआ था कि मैं ना इस बंदे का फैन था लेकिन ये हैकर निकला, ये बंदा ESP यूज करता है। सीरियसली यार मुझे ना वो कमेंट पढ़ के काफी दुख हुआ था कि यार एक बंदा मेरा फैन था और वो अब ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि यार कल को कोई और बंदा भी उठ के ऐसे ESP यूजर्स वाले कमेंट करने लग जाए। तो इस वजह से ना मैं आज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने मैप क्यों हाइड किया हुआ है और इसकी वजह क्या है। मैंने पहले कभी आप लोगों को इसकी वजह नहीं बताई, तो आज ना मैं आप लोगों को मैप हाइड की वजह बताता हूँ। सर जी मैं हूँ सीजन 8 का प्लेयर और मैंने जिस बंदे से गेम से किया ना उसका नाम है वानक्यू। आप में से काफी लोगों को उसका पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वानक्यू एक फास्टेस्ट और बहुत ही खतरनाक चाइनीज प्लेयर था। तो मैंने उसी बंदे गेम सीखी है, ये जो मेरे 5 फिंगर कंट्रोल थे ना ये मैंने उसी की कॉपी किए थे, बस थोड़ी सी मैंने अपनी चेंजिंग कर ली थी इसमें ना, और तब से लेकर ना अब तक मेरे यही कंट्रोल्स चल रहे हैं। मैंने उस बंदे से बहुत कुछ सीखा है, दो मेन चीजें तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखी हैं, एक पीक्स और दूसरा रिफ्लेक्सेस। ये जो रिफ्लेक्सेस आप लोग देखते हो जो मैं स्कोप घुमा घुमा के मारता हूँ, ये वो चाइनीज प्लेयर्स ना पबजी के स्टार्ट में क्या करते थे तब जब लोगों को पबजी की अलिफ बे का भी नहीं पता था, ये सब ना मैंने उसी बंदे से सीखा था। खैर वो बंदा स्क्रीन शेक भी करता था, काफी स्मूथ स्क्रीन शेक, वो ये जो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स करते हैं वो नहीं। खैर सर जी
मैंने काफी स्क्रीन चेक ट्राई किया, बहुत हाथ हिलाया, बहुत बाजू हिलाया, लेकिन सर जी मेरी समझ में नहीं आया, मेरे से नहीं होता था स्क्रीन चेक। तो मैंने ये स्क्रीन चेक स्किप कर दिया। फिर मैंने देखा कि उस बंदे का मैप भी हाइड था, तो मैंने भी मैप हाइड कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों हाइड किया हुआ था, क्या वजह थी, लेकिन जो उसने किया हुआ था मैंने बस उसको कॉपी किया। स्टार्टिंग में तो काफी मसला हुआ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, फुटस्टेप की समझ नहीं आती थी, खासतौर पर जब दूर से फायर आता था ना तो समझ नहीं आता था कि कहां से आ रहा है। उस टाइम रिफ्लेक्सेस थे नहीं, गेम सीख रहा था मैं, और वैसे भी उस टाइम पे ना जब दूर से फायर आता था ना तो पहले लोग ना मैप में देखते थे कि फायर कहां से आ रहा है। जो ओल्ड प्लेयर्स है ना वो मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, अपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो अपार्टमेंट्स का ग्राउंड फ्लोर है ना उसके फुटस्टेप का साउंड अलग है, फर्स्ट फ्लोर के फुटस्टेप का साउंड अलग है, उसी तरह सेकंड का अलग है, और टॉप जो छत है उसका अलग है फुटस्टेप का साउंड ना। इन साउंड्स को एक्सपीरियंस करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ये मैं न्यू प्लेयर्स के लिए बात कर रहा हूं। उसके लिए एक तो अच्छे हैंड फ्री या हेडफोन भी होना लाजमी है। अब एक नया बंदा पबजी डाउनलोड कर लेता है, एक दो हफ्ते हुए होते हैं, और वो 50,000 वाले हेडफोन्स भी ले लेता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 50,000 हेडफोन्स हैं तो भाई उसको हर एक साउंड की समझ आ जाएगी, हर एक फुटस्टेप की समझ आ जाएगी। नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है इन साउंड्स को ना एक्सपीरियंस करने में, समझने में। तो इसी तरह मैं भी ना उस टाइम एक न्यू प्लेयर था, मैं लगा रहा खेलता गया बगैर मैप के, आहिस्ता आहिस्ता मेरी हियरिंग स्ट्रांग होती गई, रिफ्लेक्सेस भी स्ट्रांग होते गए, हर एक फुटस्टेप की हर एक साउंड की सही से समझ आने लग गई। तो तब से लेकर ना मेरा आज तक मैप हाइड है, इस बात को आई थिंक 3.5-4 साल हो गए हैं। अब आप लोग पूछोगे कि भाई इस मैप हाइड का फायदा क्या है, आपका तो पता नहीं। उस टाइम पे तो भाई मुझे काफी फायदा हुआ था, मेरी हियरिंग काफी स्ट्रांग हो गई थी, मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हो गए थे। आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे रिफ्लेक्सेस, अब वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरे पुराने रिफ्लेक्सेस थे ना 2-2.5 साल पुराने वाले, वो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे। और ये जो लोग मुझे ESP यूजर बोल रहे हैं ना, इसकी एक वजह मेरे रिफ्लेक्सेस भी हैं। खैर सर जी, ये जो ESP यूजर वाले कमेंट्स करते हैं ना लोग, मेरे भाई अगर आप लोग में ना कुछ करने की सलाहियत है, ना कुछ सीखने की सलाहियत है, तो दूसरों को तो अपनी तरह नहीं समझो ना यार। दुनिया में एक से एक बढ़ के स्किल्स वाला प्लेयर देखने को मिलेगा, मैं तो एक एवरेज सा प्लेयर हूँ, सीधी सी बात है, मेरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक प्लेयर देखने को मिलेंगे आपको। मैंने जो सबसे कीमती चीज अपना वक्त दिया इस गेम को, वो नजर नहीं आया आपको। मेरी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, मेहनत, जो 4-5 सालों में अप्स एंड डाउन आया, वो नजर नहीं आया आपको यार। और फिर ESP यूज करके मैं अपनी सारी मेहनत जाया कर दूं, सीरियसली। ESP तो मोस्टली रैंक पुशर्स यूज करते हैं। मैं अच्छे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लाइक नूब होते हैं, जिनको डर होता है, जिनसे रैंक पुश नहीं होता, फिर वो ESP लगा के रैंक पुश करते हैं। तो भाई मैं क्यों ESP यूज करूंगा, मैं तो खुद बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, मुझे कहीं बंदे मिले मैं उनमें घुसूं, उनको मारूं या फिर खुद मरूं, कोई एक काम तो होगा ना। ही मुझे कॉन्करर का शौक है, ना ही मुझे रैंकिंग का शौक है, बस बात वही है, सिर्फ मेरे मैप हाइट की वजह से ना ये कुछ लोग मुझे ESP यूजर बोलते हैं, और ना कुछ रिफ्लेक्सेस की वजह से भी। ESP यूजर बोल के एक सेकंड में अगले बंदे की मेहनत पे पानी फेर देते हो, ऐसे तो नहीं करो ना यार। सीधी सी बात है सर जी, ये जो गेम है ना ये सारी साउंड पे है। अच्छे हैंड फ्री या अच्छे हेडफोन यूज करो, थोड़ा सा सीखो, गेम को समझो, फुटस्टेप को समझो, साउंड को समझो, तभी जाके आप लोग भी अच्छा खेल सकोगे। फ्री फायर दे दे के बंदों को मारोगे, हर तरह से बंदों को मारोगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी यार मैं गंदा प्लेयर हूँ, बुरा प्लेयर हूँ, बॉट हूँ, नूब हूँ, कमेंट्स करो, इट्स ओके। लेकिन जो चीज मुझ में नहीं है, जिस चीज का मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं है, ऐसे कमेंट्स करके अगले बंदे को खराब तो नहीं करो ना यार। बस सर जी यही क्लियर करना था आप लोगों से। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को मेरे क्लचेस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अर्ज़ अल्लाह भी अल्लाह।